बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बेला में आधी रात चोरों ने घर में लोगों की गहरी नींद का फायदा उठाकर आभूषण समेत 1,90,000 कीमती सामान चोरी कर लिया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिना लाइसेंस के अवैध रूप से रेत परिवहन करते पाए जाने पर टिप्पर चालक और व्यवसायी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तुमसर पुलिस ने रेत और टिप्पर समेत 20,12,000 रुपए का माल जब्त कर मामला दर्ज किया। ओपरा में श्रेसिंग के लिए रखे गए धान के ढेर को जला दिया गया। लाखनदू तहसील के ओपरा निवासी विशाल मनोहर बेंद्रे के खेत में रखे धान के ढेर में गुरुवार को किसी ने आग लगा दी, इसमें धान के ढेर जल गए। साकोली पुलिस ने ट्रैक्टर से रेत चुराने का प्रयास करने वाले चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चालक मोहघाटा निवासी साहिल दूधराम मिश्राम के खिलाफ मामला दर्ज कर ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। पैर फिसलने से तालाब में गिरने से एक वृद्धा की डूबने से मौत हो गई। यह घटना लाखनी तहसील के मेरे गांव में हुई। मृतका का नाम मेरे गांव निवासी कांता रघुनाथ चंजाट, उम्र 85 वर्ष है। नागपुर के सरकारी मेडिकल अस्पताल में गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका का नाम दिघोरी पड़ी निवासी ममता शैलेश कापसे, उम्र 31 वर्ष है। ममता का अस्पताल में इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। देवरी तहसील के मसूर भावड़ा निवासी नरेंद्र मुकेश कुंभारे, उम्र 22 वर्ष की, धान परिवहन कर लौटते समय ट्रैक्टर पलटने से ट्रॉली के नीचे दबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देवरी थाने में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।